सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि आप कैसे जो है वो पबजी इम्यूलेटर में अपने FPS जो है वो काउंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी गेम्स में जो है वो आपको FPS काउंट करने हैं तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कि आप उस तरीके से उस मेथड से जो है वो आप आसानी से जो है वो FPS काउंट और बाकी जो आपको ऑप्शन मिलते हैं टेम्परेचर और भी आपकी जो सेटिंग्स होती हैं जो आपके दिखता है टॉप में जो आपको वो चीज़ देखनी है FPS काउंट्स तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप वो कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो गेम लूप का यहाँ पे को पबजी का जो इम्यूलेटर रहता है जिसमें इम्यूलेटर चलता है वो मैंने यहाँ पे को ओपन कर लिया। और प्ले करने के बाद मैंने यहाँ पे को पहले से ही ओपन कर लिया था तो यहाँ पे को मेरा जो गेम है वो लोड हो चुका है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप कैसे जो है वो इनेबल कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे से पहले से इनेबल है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर को जो ऑप्शन है, अगर हम चले जाएँ सबसे पहले जो है अगर आपकी फुल स्क्रीन हो रखी है तो आप फुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाइएगा। उसके बाद आप जो मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है उस पर जाके यहाँ पर को मीनू का ऑप्शन आता है जो इसका मेन ऑप्शन होता है। यहाँ पर को मीनू ऑप्शन आता है, अगर मैं दिखाऊँ आपको टॉप में जो आपके थ्री बार्स आते हैं यहाँ पर कोई मीनू ऑप्शन है। अगर हम इसमें जाएँ तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रोटेट वॉल्यूम, क्लियर कैच, रिपेयर SD और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको क्लिक करना है 100 FPS पे। जब आप 100 FPS पे क्लिक करोगे तो आप अगर यहाँ पर को देखोगे, आपको यहाँ पर को तो अभी दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर चले जाऊँ तो आप यहाँ पर देखोगे टॉप कॉर्नर में, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, तो इस जगह पर आपका 58-59 अभी FPS मुझे मिल रहा है इस कंप्यूटर पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर को ये काम करता है, 57 FPS आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, आपका कूलिंग टेम्परेचर, आपका और भी जो आपके ऑप्शंस मिलते हैं अगर आपको वो देखने हैं, स्क्रीन हर्ट्ज और स्क्रीन का जो भी रेट चल रहा है अगर आपको वो भी दिखाने हैं और भी गेम्स में अगर आपको करने हैं तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर से बताऊँगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ ये सिर्फ जो आपका टेंसेंट का बडी है इम्यूलेटर जो गेम लूप चलता है सिर्फ उसमें इनेबल होगा, बाकी आपको किसी में भी आपका यहाँ पर इनेबल नहीं होगा। अगर आप गेम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप कॉर्नर पर आपका FPS काउंट जो है वो चलते रहेगा कंटिन्यूसली। तो मैं आपको गेम प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि FPS काउंट चल रहा नहीं चल रहा। अभी देखते देखते हैं आपको 6 का जो फ्रेम रेट है वो चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में जब लोड होता है तो वहाँ पर FPS जो है वो कम मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आते हैं गन वन के, तो अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 54 का यहाँ पर मेरे को FPS मिल रहा है, 58 अभी यहाँ पर FPS जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको ये काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको ऑप्शन है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि आप कैसे जो है वो FPS काउंट इनेबल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग जो है आप इसे यूज़ करके आराम से आप जो है अपने FPS देख सकते हैं कि आपको कितने FPS देखने को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।